हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए पर्यायवाची का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अंत अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों, अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवसान। अंत का पर्यायवाची शब्द होता है अवसान। अगला क्वेश्चन जो है, व्याग्रह के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्याग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अधीर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनार का पर्यायवाची शब्द होगा दादिम होगा, दादिम। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्जुन अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द ये सब होगा, ठीक ना, ये भी होगा, धनंजय होगा, गोंडाकेश होगा, गुंडी व धाड़ी होगा, यानी इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो निम्नलिखित में से किसका है ये अक्षी, किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षी जो है ये आँख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मंदाकिनी भी आकाश गंगा को कहा जाता है, सुर नदी भी कहा जाता है, स्वर्ग नदी भी कहा जाता है, इसका मतलब सही आंसर ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, आखियान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृत्तांत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आलोचना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सही समीक्षा होता है, समीक्षा। आंसु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नयनाम्भू, नयाम्भू होगा, नयाम्भू। ठीक ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आदर्श का सही जवाब हो जाएगा प्रतिमान। अगला जो क्वेश्चन है, आली का पर्यायवाची शब्द होगा, आली का पर्यायवाची 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा, सखी होता है, सहेली होता है, भ्रमरी होता है, और इसका आंसर हो गया सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आरोग्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निरोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है विष्णु नहीं है, बाकी सुरेंद्र है, उसके बाद देवेश है और सुरेश है, ये चारों है, और ये जो है नहीं है इंद्र के प्रति, यानी आपका आंसर सही ये हो गया। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले कम्य भी होता है, अभिप्रेत भी होता है, और अविष्ट भी होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो इंद्राणी का सच्ची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ललसा होता है, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द ललसा होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, असमंजस होता है, असमंजस। अगला क्वेश्चन है, उनिदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा निद्रालु होता है, निद्रालु। अगला क्वेश्चन जो है, उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उजाला का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उजाला का आलोक होता है। अगला क्वेश्चन जो है, उजाला का आलोक होता है। अगला क्वेश्चन है 21, ऊंट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 21 का होता है उष्ट्र, महागिर्व, लंबोष्ठ,
इसका आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ऐश्वर्य का सही जवाब हो जाएगा बी, वैभव होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मकरंद किसका पर्यायवाची शब्द है? मकरंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा कमल का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कंदरा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ए, गुफा का है। कस्तूरी किसका पर्यायवाची शब्द है? कस्तूरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 के, मृग मद का है। अमरस किसका पर्यायवाची शब्द है? अमरस जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मदन सलाका किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयल का है। किरण किसका पर्यायवाची शब्द है? किरण जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा रसीम भी होता है, मयूख होता है और मरीची होता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज शब्द का कामदेव होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मुरलीधर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मुरलीधर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ये कृष्ण जी का है। अगला जो क्वेश्चन है, धीरवर किसका पर्यायवाची शब्द है? धीरवर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवट का सी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर परिजात होता है, कल्प तरु होता है और देव वृक्ष होता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अनुढा किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, कुमारी का है। केश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? केश का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कच होता है, कुंथल कुंतल होता है, पश्चम होता है। इसका आंसर हो गया सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शोणित किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा खून का होता है, शोणित जो है खून का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खल का पर्यायवाची है? खल का पर्यायवाची है 36 का सही जवाब हो जाएगा सी, पाजी होता है, खल का पाजी होता है। चलिए 36 का देखिएगा, 36 का खल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो खल का सही जवाब देखिए, इसका नीच भी होता है, नीच, उसके बाद दुष्ट, पाजी, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द है? तो चंदन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए, गंधराज होता है, मलयय होता है, श्रीखंड होता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंगल को विपिन कहा जाता है। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभा कीट जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुगनू का होता है। चलिए